मई 2021 में पेट्रोल डीजल की कीमतें 16 बार बढ़ाई गईं और भारत के कई शहरों में प्रति लीटर पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार चले गए। बेशक यहां पेट्रोल ने शतक लगाया है, लेकिन ये वो शतक नहीं जिसकी हम खुशी मनाएं। 2021 की शुरुआत से ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा किया जा रहा है और ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुकी हैं। सरसरी नज़र डालें तो इस साल जनवरी से अब तक वाहन में डलने वाले ईंधन की मुंबई में कीमत पेट्रोल के लिए 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 12 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गई है। भारत में ईंधन की कीमतें तकरीबन रोजाना घटती और बढ़ती हैं, जिसकी वजह है कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत। जैसे जैसे कच्चा तेल महंगा होगा, वैसे वैसे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बदलेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ कच्चे तेल की बढ़ती कीमत को वजह नहीं ठहराया जा सकता। इस रिकॉर्ड कीमत का ठीक रहा हमारी टैक्स प्रणाली के सर भी फूटता है। भारत दुनिया भर के उन देशों में शामिल है जहाँ पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है। 1 जून 2021 को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की मूल कीमत 36.04 रुपये थी। इस पर वैट, एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल की बिक्री पर लगने वाला डीलर कमीशन लगाया जाता है। ये सभी टैक्स मिलकर दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत का 58.6% हो जाते हैं। देश की राजधानी में पेट्रोल की तरह प्रति लीटर डीजल का मूल दाम भी 38.54 रुपये है। फिर लगाए जाते हैं इस पर टैक्स, डीलर कमीशन और एयर एम्बियंस चार्ज, जिसके बाद टैक्स डीजल की प्रति लीटर मूल कीमत का 55% हो जाता है। ईंधन की कीमतों में कुछ राज्यों में वैट की दर काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमत में और उछाल आ जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भारी वैट के साथ पेट्रोल डीजल की बिक्री हो रही है, जो 36% और 33% है। इन्हीं की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी 26% वैट प्रति लीटर लगाया जाता है, जिससे कीमत 10.12 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ जाती है। पड़ोसी देशों से तुलना करें तो भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और रशिया के मुकाबले भारतीय प्रति लीटर ईंधन की सबसे ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं। तो जब तक राज्य और केंद्र सरकारें तेल कंपनियों के साथ मिलकर मौजूदा कीमत के प्रारूप को बदलने का फैसला नहीं करती, तब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम होना संभव नहीं है। बहरहाल हम आपको तब तक ये सलाह देंगे कि एक्सेलरेटर को थोड़ा सोच समझ कर दबाएँ।